राजनीति में छवि यानी इमेज एक नेता को बड़ा बनाती है और वही उसको छोटा भी। उत्तर प्रदेश में हाल ही में दो ऐसी वारदातों को अंजाम दिया गया जिसका आरोप समाजवादी पार्टी के लोकल लीडर्स पर था, लेकिन इससे डेंट पहुंचा पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की इमेज, और अब अखिलेश यादव इसे ठीक करने की कोशिश में है। कन्नौज और अयोध्या में बीजेपी के आरोपों से घिरी सपा की क्या तैयारी है, इस रिपोर्ट में। अयोध्या में गैंगरेप आरोप मोहित खान पर, कन्नौज में रेप आरोप नवाब सिंह यादव पर। आरोप भले ही इन दोनों नेताओं पर हैं, लेकिन दाग लगा समाजवादी पार्टी के दामन पर, क्योंकि बैक टू बैक रेप केस के दो आरोपों से समाजवादी पार्टी के NY समीकरण पर भी चोट की गई। और अब अपने पार्टी पर लगे इन्हीं दाग को साफ करने की कवायद में जुटे हैं अखिलेश यादव। रेप के इन आरोपों के बाद समाजवादी पार्टी बैकवर्ड पर है। बीजेपी ने अखिलेश को भी जमकर निशाने पर लिया है। अब बीजेपी के पॉलिटिकल अटैक को डिफेंड करने के लिए अखिलेश यादव ने नई रणनीति बनाई और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के जरिए पार्टी पर लगे आरोपों का जवाब देने की तैयारी शुरू की गई है। समाजवादी पार्टी फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाएगी, अलग अलग जिलों में हो रही वारदात के कारणों की जांच करेगी। बीजेपी के आरोपों का जवाब देने का जिम्मा जिला कमेटी को दिया गया है। तथ्यों को सोशल मीडिया और बाकी जरिए से जनता के सामने रखा जाएगा। प्रदेश स्तर से भी वरिष्ठ नेताओं की टीम भेजी जाएगी, साथ ही पीड़ित पक्ष से मिलकर डिटेल पेश करने का प्लान बनाया गया है। समाजवादी पार्टी को लगता है कि ऐसे आरोपों से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है, जिसका खामियाजा 2027 चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। जबकि 2024 के नतीजों से उत्साहित टीम अखिलेश ऐसा कोई भी रिस्क उठाने को तैयार नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने सभी वरिष्ठ नेताओं से कहा है कि समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की जो भाजपा की साजिश है उसका पर्दाफाश करें, और जो लोग पीड़ित हैं उनको सहायता करें, उनको कानूनी सहायता प्रदान करें, और अगर कोई साजिश भाजपा द्वारा रची जा रही है तो उसको सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसका उजागर किया जाए। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी इसे अखिलेश का मास्टर स्ट्रोक बता रही है, तो वहीं बीजेपी अखिलेश के इस फैसले पर सवाल खड़े कर रही है। सपा कोई कानूनी मान्यता प्राप्त जांच एजेंसी नहीं है कि, और वह भी जिसमें अयोध्या से लेकर के कन्नौज तक बहुत गंदे और बहुत धब्बे आरोप लगे हों, और उसमें फैक्ट कमेटी बना करके वो क्या संदेश देना चाहते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि रेप जैसे आरोपों से पार्टी के साथ साथ अखिलेश यादव की भी छवि को नुकसान पहुंचा है, लेकिन अखिलेश की इन कोशिशों से नुकसान की कितनी भरपाई होगी इसके लिए भी इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।